कि हमने जो भी कमाया है इज्जत से कमाया है, बाकी व्यूज और पैसे यदि सब कुछ नहीं होते, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फाइनली क्रियान सो गया है और उसके सोने के बाद मुझे करना है बहुत सारा वीडियो शूट, तो चलते हैं जल्दी से फेस वॉश करते हैं। सुबह हम बस नहा लेते हैं, नहा के पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने बाल में कंघी तक नहीं कर सकते हैं, इतना वो परेशान करता है और वो बहुत ज़्यादा नटखट हो गया, उसको एक सेकंड नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा हाल है। अभी सो गया है ना, तो अभी फिर मुझे अपना जो भी कोलैबोरेशन का वीडियो शूट करना होता है दोपहर में मैं करती हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपना ब्लाउज। तो आज जो मैं जिस साड़ी का कोलैबोरेशन करने वाली हूँ वो ये साड़ी है। इसका ब्लाउज इस तरीके से मैंने स्टिच करवाया है, कुछ इसका गला ऐसा है और बैग जो है ना, बैग ऐसे यहाँ पे बांधने के लिए ये। और साड़ी भी बहुत सुंदर है, ये जिमी चू की साड़ी है, बहुत सुंदर है। तो चलते हैं जल्दी से फेस वॉश करते हैं और रेडी होते हैं। One hour later. कर दो छापको कि मैं छो के उठ गया और मेरी मम्मा का वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आप जल्दी उठ गए ना, इसलिए मम्मा का वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, पापा पास चला गया, पापा पूछी दे दो, पापा पूछी अपना मन होता है तभी देता। ओ माय गॉड, दे दिया अम्मा ने, नहीं दिया, पूछी दे दो पापा को, पूछी तो पूछी। ओ, सीधा देता है, सिखाया मैंने बट मुझे नहीं मिलता। पहली बार हम कैमरा दिया उसे हमारे साथ मुकर ही जाता है, फिर से एक बार टेस्ट करेगा। हाँ बोली क्लास, पूछी तो पूछी हो गया क्या, पूछी जे तो पूछी बस नहीं। Two hours later. तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 7 और इस समय जो है थोड़ा सोच रहे हैं बाहर जा करके टहल लिया जाए, क्योंकि सुबह जब से उठे हैं तब से जो अपना कुछ जिंदगी का जो अस्त व्यस्त रहता है, जो भी रोजमर्रा का काम होता है वह सब कुछ निपटा लिया और अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर घूम करके जो फ्रेश हो जाया जाए। और फिलहाल जो है जिया यहाँ पर अपना संतरा लेकर के बैठी हुई है और क्रियांश जो है बाबा के साथ ऊपर खेल रहा है ना। तो क्रियांश कुछ देर पहले ही सो करके उठा था और हम लोग के साथ खेला, फिर इसको लेकर के आया और जैसे ही बाबा को देखा ऐसे भागा बाबा की तरफ की पूछो मत, उसको सुलाए और हम वीडियो शूट किए इंस्टाग्राम का। और जैसे इंस्टाग्राम का शूट कंप्लीट हुआ हम चेंज भी ने कपड़ा किए तब तक वो उठ गया। वाह, बहुत ही राइट टाइम पर उठा कि शूट कंप्लीट हुआ वो उठ गया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यहां आ गया है मोलू, क्रियांश ऊपर है छत पे, कहीं नहीं जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे। चलिए ना, जाइए ना, आपसे मिल थोड़े क्रियांश से मिलने छत पे क्रियांश, और कहा था कि आपसे थोड़े मिलने आए, आते ही पूछता है क्रियांश का है, पहले आता था पूछता था जीजा जी का है, सब चीज तुम ले जाओ किराया पर। क्रियांश साइकिल पे बैठता नहीं है, उसको सारा सामान लोड करके ले, सीमेंट वाला गाड़ी ले जाता है, जुगाड़ गाड़ी, उसी पर जैसे सब चीज लाद के ले जाता है। ये देखिए झाड़ू भी उसी पर ले लो, सारा सामान लोड करके दे सकते हैं, ये झाड़ू और ये सब कुछ उसी पे था, टूटा हुआ सूप, उसके बाद और क्या है देखे वहाँ पर, लोड कर लो, हाँ ये भी लोड था, गिर गया वो भी लोडे था, क्या इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, झाड़ू नहीं रखा रे, ये देखिए क्या बोला, ओ बंद करने का था क्या ब्राह्मण। कैसा मामा है, बोलो मामा चॉकलेट नहीं देते हैं ये काबू, मुझे दे दो, मुझे दे दो, इसका भी मूड ठीक है ना, तो ले लेता हाथ में फेंक देता, हां नहीं चाहिए होता है, दे दो मामा, दे दो खा ले मामा। हेलो, ये ले जाना, निकाल दिए, नहीं नहीं बिना फाड़े खाएगा, नहीं फटा हुआ है, इसको इसको हटाइए, लो बदमाशी, खाली खाली बदमाशी, खाली बदमाशी, खरगोश की तरह। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 10 और हम लोगों का जो खाना हो गया है, तो मैं अभी बोलते बोलते हंस के ऊपर आ, तो बात क्या है जी, क्रियांश अभी बाबा के पास से घूम करके आया हुआ है और फिर बाबा के पास ही चले गया, उसको कितना भी कोई भी क्यों ना रहे, पहले पापा भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बिल्कुल प्यार, वो ज्यादा पापा को प्यार करता था, बट अब बाबा के सामने, बाबा के सामने कोई नहीं, अब फिर चला गया बाबा के पास, कहाँ जाएगा तुम,
डांस करके दिखाएगा। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8:30 और कुछ देर पहले ही जो है हम लोग सोकर के उठे, और स्पेशली जब मालूम चला कि आज है शनिवार और रविवार, तो आज अपने काम में भी छुट्टी है, तो इस वजह से जो है थोड़ा और हम लोग सो गए। 6:30 का अलार्म लगा हुआ था, तो उस अलार्म को जो है बंद करके हम लोग जो है फिर सो गए दोबारा। और क्रियांश भी जो है आज आराम से उठा है, क्योंकि क्रियांश का आदत है जब तक नहीं उठ रहा था वो, नहीं उठ रहा था वो, नहीं उसको हमने उठाया क्योंकि फिर वो दिन में नहीं सोएगा। बिल्कुल, अगर वो दिन में नहीं सोएगा तो हम में से किसी का काम। वैसे उसका जनरली आदत क्या होता है कि जैसे ही उसके बगल से कोई मम्मी पापा उठ जाए तो वो उठ जाता है, लेकिन आज थोड़ा घर ही नींद में था लग रहा है। मॉर्निंग में नहीं उठता है वो। अच्छा ऐसा है कुछ। मॉर्निंग में उसको हम 10 बजे तक छोड़ देंगे ना सोने। तो रात में सुलाने में बहुत मेहनत लगता है क्रियांश को, लेकिन और कल जो सोने में जो नाटक किया है भाई साहब, इतना नाटक किया है कल, नींद में दांत काटता है वो। बिल्कुल, कि मुझे लाइट ऑन करो मुझे नहीं सोना है, ढूंढ ढूंढ के तब दांत काटेगा, ताकि आप चिल्लाइए बहुत जोर से ताकि हम समझ जाएंगे आप। और जब उसको रोक रहे थे कि जाके स्विच बोर्ड दबाओ, पंखा और बल्ब नहीं जलाओ, तो वो उसको खेल समझ रहा था कि हम वहाँ जाएंगे पापा हमको रोकेंगे, तो ऐसा ही कुछ चल रहा है जी। 1 hour later तो क्रियांश जो है आ गया है पूजा घर में, मम्मी को देख रहा है पूजा करते हुए, इंतजार कर रहा है लड्डू को, लड्डू गोपाल का जो वहाँ पर भोग है देख रहे हैं वो कटोरी में, वो चाह रहा है वो। जय वाह क्रियांश, वाह क्रियांश, कि कब प्रसाद मिले ना, प्रसाद खाएगा क्रियांश, प्रसाद खाएगा। जय करो पहले, जय जय करो, डांस देखो डांस, जय करो पहले, जय करो। ओ, खाने जा रहा है वो, बस वही भोग उठा लिया ये अपना, जी आप पकड़ो गिरा देगा वो। बस इसी के लिए था, तुलसी नहीं खाता है, तुलसी हमें दे देगा। अच्छा और देगा। गिरा देगा वो, गिर जाएगा आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। क्रियांश छोड़ दो, हेलो तुलसी देगा तुमको, देखिए तुलसी बोले ना हमको दे देगा। क्या कर रहे हो क्रियांश? यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं, मम्मा को पीटता है क्रियांश, हाँ मम्मा को पीटता है, नहीं पीटते हो तुम, पीटते हो, नहीं पीटते हो मम्मा को, देख लो देख लो, क्रियांश मम्मा को पीटता है और पैर भी दबाता है, देखिए पैर दबा रहा है क्रियांश मम्मा का। थैंक यू बेटा, थैंक यू। A few moments later. तो क्रियांश फिलहाल आ गया है अपनी दादी के पास, और दादी के पास इस शर्त पे आता है कि दादी बाहर ले जाएगी घुमाने के लिए। तब दादी को इज्जत से माँ बुलाया जाता है, उसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और दादी जो है अभी कुछ देर बस खड़ी रहे बाहर, कहीं नहीं टहले बस, उसके बाद भला दादी को देख रहे हैं, ये बस हो गया पापा के पास सब आएगा। चलो नहीं चलो हम चलो। तो फिलहाल जो है यहाँ पर चल रहा है साफ सफाई का अभियान, कहाँ कहाँ कोना में क्या क्या घुसा के रखा है क्रियांश, बहुत सारा सामान जो झाड़ू के समय मिलता है देख रहे हैं, बहुत झाड़ू मारा जाए कोना कोना में, हर कोने में कुछ मिलेगा। ये यहाँ पर सेट हो गया है इसका, यहाँ पर निशाना लगाने के लिए क्रियांश लगाओ, अरे वाह क्रियांश, वाह क्रियांश, वाह क्रियांश, लगाओ लगाओ, अरे वाह क्रियांश, वाह क्रियांश, वाह क्रियांश, ओहो खुश देखिए खुश, निशाना लग गया, लग गया क्रियांश निशाना। अब बॉल खुद से लाने नहीं जाएगा, पापा लेके आएंगे और हमको पूरा सेट करके देंगे, वहाँ पूरा खड़ा करेंगे, इनको बस खेलना है ना। बस अरे वाह क्रियांश, वाह क्रियांश, वाह क्रियांश, वाह 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 वाह। 1 hour later तो यहाँ पे आया था क्रियांश अपना शूट करने के लिए, ये ड्रेस जो है इसको फर्स्ट क्लास प्रमोशन के लिए आया था, बस उसमें एक नॉर्मल बच्चे की फोटो लेनी होती है, हमने फोटो ले लिया क्रियांश का एक फोटो, और धूप बहुत ज़्यादा है, क्रियांश को धूप पसंद नहीं है, और फोटो जो है ना तो धूप रहता तभी अच्छा लगता है, बस एक फोटो ले लिया बड़ी मुश्किल से। इसको एक और टी शर्ट पहनाना है, पैंट यही रहेगा सब कुछ यही रहेगा, बस एक टी शर्ट और पहनाना है, दो ड्रेस पहन के इसको दिखाना है, तो फटाक से चलते हैं क्रियांश एक और ड्रेस चेंज कर लेते हैं। क्रियांश ने अपना दूसरा ड्रेस भी चेंज कर लिया है, ये हाँ कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा आप लोग, बहुत प्यारा ड्रेस है। क्रियांश चप्पल खोल लिया, अब इसको भी फेंक दो, रात हमर गेले रहे हमको भी अल्लाह लगा रहे हैं, बार बार जो है क्रियांश तोड़ देता है, और इनको इतना बार चश्मा की दुकान जा चुके हैं, इनको कह रहे हैं लाश लगता है जान, बाद में पैसा लेता नहीं, बच्चा है कितना भी बोलते हैं, सबसे खराब वो लगता है,
पैसा लेता ही नहीं है। अच्छा आपका तो कल ही हम लोग का पूर्व परिचित है, हम लोग से अच्छा रिलेशन है, पैसा लेगा लेकिन फिर भी ये फोन पे कर देते हैं। बाबू चलो, बाबू बाबू चलो। तो अभी जस्ट क्रियान सो गया है, बहुत मुश्किल से सोया है, सोना चाह ही नहीं रहा था, कैसे भी मैंने उसको सुलाया क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे वीडियो शूट करने, तो फटाफट से चलते हैं वीडियो शूट करने के लिए। और मैं आज जो ड्रेस पहनने वाली हूँ मैं दिखाती हूँ आपको, का ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज है और ये साड़ी है, सिल्क में साड़ी है, बहुत सारी साड़ी पेपर सिल्क। तो जल्दी से चलते हैं रेडी होते क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, वीडियो तो शूट करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, नाक पर सिंदूर गिर गया, पूरा रेड रेड हो गया। तो मैं दिखाती हूँ मैं अपना साड़ी, ये है हमारा साड़ी, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको जानना है कि ये हमने कहाँ से लिया है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिया शाश्वत रॉय, वहाँ पे मैं आईडी डाल दूंगी कि मैंने ये कहाँ से लिया है। तो चलते हैं जल्दी से सारा सूट कंप्लीट करते, नहीं तो पता नहीं क्रियांश कब जग जाए। तो हम जी आ गए हैं सो करके, क्रियांश सोया हुआ था तो क्रियांश को चाहिए एक साथी सोने के लिए, और उसी बहाने जो है हम भी सो लिए क्योंकि दिन में जो है उसके आधा घंटा एक घंटा जब तक हम नहीं सोते हम तो आधा घंटा भी जरूर सोएंगे, तो हमको जो है फ्रेशनेस फील नहीं होता है, एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी कुछ ना कुछ अधूरा है, दिमाग पर कुछ ना कुछ लोड है। और जिया भी देख सकते हैं जी अपना कोलेबोरेशन का पूरा सब कुछ शूट उट करके सब कुछ आ गई है, और इंतजार कर रही थी कि पतिदेव भी अब थोड़ा उठे तो उनके साथ कुछ रील वीडियो सब भी शूट करे, तो कोई बात नहीं, इंतजार कर रहे हैं और फाइनली ये उठ गए। अगर कोई सोया रहता है ना तो बार बार उठाने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उठाए। चलो नहीं उठाए, अच्छा की और हम अपने आप उठ गए एक समय पर, और अब जो है कुछ वीडियो सब भी शूट हो जाएगा, कोई बात नहीं। और क्रियांश भी अभी सोया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि क्रियांश आधा घंटा तक सोया रहेगा, और उठ भी जाएगा तो भी किसी तरह शूट कर लेंगे, बच्चा है तो कैसे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जी मैं कुछ कुछ कमेंट पढ़ रहा था, जैसा कि मैं पिछले कुछ ब्लॉग से आपको बताता आ रहा हूँ कि मैं आप लोग के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, जिया स्पेशली कोशिश करती है कि आप लोग को रिप्लाई जरूर मिले हर ब्लॉग का, जितना भी मुझे टाइम मिलता है रात के 12-12 बजे तक, मैं जब मुझे क्रियान सो जाता है तो फिर मैं आप सभी का कमेंट देखती हूँ। बिल्कुल जी, तो उसमें जो है कुछ कमेंट सब देखा था तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं, लेकिन बिल्कुल और 2-3 कमेंट ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी, थोड़ी कड़वी बात थी लेकिन बिल्कुल सही बात थी, उनका कमेंट था 2-3 कमेंट था, मिला के ही बोलूंगा अलग अलग नहीं बोलूंगा, कि भैया आप जो थोड़ा अलग होकर के चल रहे थे, आप जो एक अलग रास्ते पर चल रहे थे बाकी सबसे, तो आप उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितना बाकी लोगों ने कर लिया, व्यूज और सब्सक्राइब आपके इतने ज्यादा नहीं हो पाए। उसके बाद जितने भी बाकी लोग सब है उनके पास गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, गहने आ गए, ना जाने कितने कितने तरह के जो भी लोगों का ड्रीम होता है, तो सब कुछ पूरा हो गया, ले लेते हैं घर बना लिया, बहुत अच्छी, लेकिन आप जो हाँ लेकिन आप जो है इन सब चीजों में पीछे रह गए। तो जी बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बात कहेंगे कि हम लोगों ने जो भी बाकी सभी थे उन सब से 2 पैसे जरूर कम कमाए हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमने जो भी कमाया है इज्जत से कमाया है, और आप लोग का जो हम लोग का जो एक छोटा सा परिवार था पहले वह एक बहुत ही बड़ा परिवार हो गया है। जब भी रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं कि भैया आपका वीडियो देखते हैं, आपका जो पूरा परिवार है सभी को देखते हैं हम, और बहुत अच्छा लगता है आपके परिवार के बीच का जो वह सब बॉन्डिंग रहता है, तो वह जो इज्जत मिला है जी हमें, और यह जो एक परिवार बढ़ा है ना वह खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा ही सही लेकिन बहुत अच्छा, बिल्कुल जी हमारा जो सोच था एक सीमित तक ही था, और सीमित सोच में ही हम खुश हैं, चैन से घर में सोते हैं, और उसके बाद जितना भी है एक मध्यम वर्गीय परिवार जो भी होता है उसके जो भी सपने होते हैं वह सब कुछ पूरे हो रहे हैं, हमारा उतना बड़ा सपना भी नहीं है। धीरे-धीरे हो जाएगा सब, तो धीरे धीरे आप लोग का प्यार रहा आशीर्वाद रहा तो सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे ही आप लोग जो है हम लोग का उत्साह बढ़ाते रहिए। बाकी व्यूज और पैसे यदि सब कुछ नहीं होते हैं, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है तरक्की उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है कि आप जो है सिंपली सीधे रास्ते पर चलो तो आपको जो है कुछ अच्छा बेनिफिट होगा आपके चैनल पर, आपके एंगेजमेंट पर। तो जो जैसा है चल रहा है, बाकी हमें अच्छा लग रहा है, हम संतुष्ट है, लोगों का प्यार बना रहे, जितना ही प्यार करते हैं काफी है, बिल्कुल आप लोग बस ऐसे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे हमारे पे, हमारे फैमिली पे, हमारे बच्चे पे, बस यही चाहिए हमें, और आप लोग का जितना प्यारा प्यारा कमेंट रहता है ना वही दिल खुश कर देता है। बिल्कुल जी, तो अब ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आपको, और हाँ जी वीडियो की एक शेयर तो जरूर कर दें, शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।